अज पूरी सिख कौम कौमियत दे तौर दे उत्ते अफसोस दा दिहाड़ा मना रहा है। क्यों करके साडे नौजवान आगू भाई अवतार सिंह खंडे नू बड़ी साजिश ते शरारत दे नाल शहीद किया गया। उन्हां दे माता बीबी जी चरणजीत कौर, भैन बीबी जसी कौर, वो सारे इत्थे विराजमान है। और जिस ढंग दे नाल भाई खंडे नूं शहीद किया, उस तो पहला उन्हां दे पिता कुलवंत सिंह भाई कुलवंत सिंह नूं किया, इस परिवार का कौम देन नहीं दे सकती है। और जो ये शहादत हुई है इहदे पिछे इंडिया की सरकार का पूरा हथ हैगा। साडे नौजवान आगू जिहड़े खालिस्तान की अगवाई करते से उन्हां नूं बड़े तरीके दे नाल शहीद किया गया है। मैं शुरू करूंगा कि लंदन दे विच जिहड़ी इंडिया की एम्बेसी है जिन्हों हाई कमिशन कहते हैं उस दे उत्ते 20 मार्च नूं सिखां ने अपना रोस प्रगटावा किया सीगा। और एडा तकड़ा रोस मजारा सी कि दुनिया हिल गई कि सिखां नूं इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। उदों बाद ये दौर चलिया है इंडिया की हुकूमत वालों कि जिहड़े सिख नौजवान साडे आगू हैं जिहड़े अगे जा के साडी आजादी की अगवाई कर सकते हैं, बदले के तौर के उत्ते उन्हां नूं शहीद किया जाए। क्यों करके लंदन दे विच मार्च दे विच सिखां ने बहुत वड्डा मजारा इंडिया दे सफीर खाने दे उत्ते कीता। इस तो पहला साडे दीप सिंह सिद्धू 2022 दे विच शहीद किए गए। उस तो बाद साडे भाई मूसेवाल 2022 दे विच शहीद किए गए। पर जिहड़ा रंज की वजह नालों एक कतलेआम सिख लीडरां दी होई है उहदियां तरीकां मैं दसदा। इंडिया दे सफीर खाने दे उत्ते सिखां ने 20 मार्च इस साल बहुत वड्डा कट किया ते भाई खंडे नूं 15 जून नूं 6वें महीने दे विच शहीद किया गया। उस तो बाद भाई परमजीत सिंह पंजवर नूं लाहौर दे विच 5वें महीने मई दे विच पंजवर नूं लाहौर दे विच शहीद किया गया। साडे भाई हरदीप सिंह निज्जर नूं कैनेडा सरी दे विच
23 जून नू शहीद किया गया। भाई डिप्टू दमन सिंह मलिक नू कैनेडा दी सरी दे विच 15/7 नू शहीद किया गया, जिहदा मतलब है कि लंडन दे नाल इंडिया ने इन सिखां नू शहीद किया। इहदे विच कोई शक नहीं, मैं सिद्धा संगत दे विच इल्जाम ला रहा है कि इंडिया ने शहीद किए हैं। तुहानू पता होगा कि 2006 दे विच रूस की खुफिया एजेंसी का लेफ्टिनेंट कर्नल एलेक्जेंडर लिटविंटो उस नूं लंडन दे विच विलायत दे विच 2006 दे विच शहीद किया गया, जो करके वो रूस नूं छड के बागी बन गया सी। और बरतानिया दे विच उसने पनाह लई सी। जदों उहदा पोस्टमार्टम होया तब पता लग्या कि उस नूं एक जहरीली चीज दे नाल जिहनूं कहा जांदा है पुलिनियम, पुलिनियम दे नाल उहदे मूंह दे विच सिकरी तों एक छोटा दाना उहदे मूंह च पाया गया। एक पुलिनियम एडी जहरीली जहर है जिहड़ी यूरेनियम जिहदे नाल एटम बॉम्ब प्लेटोनियम बॉम्ब बनते हैं। ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੋਲੀਨੀਅਮ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਨੀਅਮ ਸਿਰਫ ਰੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੰਨਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੋਲੀਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 6 ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਐਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਲਿਟਵਿੰਕੋ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਚਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ
मार्च के महीने इंडिया के सफीरखाने के बाहर एडा वड्डा मजारा क्यों कर दिता। उदी फिर रकम देनी पई इंडिया के नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैगे है अजीत डोयल रॉ दे आईबी दे मिलिट्री इंटेलिजेंस दे ए सारे इकट्ठे ने इन्होंने पलूनियम दी दवाई किसी तरह खंडा साहब दी जीप दे उत्ते रखी है और एक खतरनाक चीज कैंसर दी बीमारी पैदा करती है। तुहानू पता है कि खंडा साहब नू पहला कैंसर दी बीमारी नहीं सी। जे कैंसर दी बीमारी होवे सारे नू पता लग जांदा है कि इस शख्सियत नू कैंसर है। सो बड़ी साजिश के नाल खंडा साहब नू शहीद किया गया। उस तो बाद साडे परमजीत सिंह पंजवड़ नू लाहौर के पंजवें महीने मई के शहीद किया। उस तो बाद भाई हरदीप सिंह निज्जर नू छेवें महीने जून के 20 तरीक गोली मार के शहीद किया गया। कैनेडा की पुलिस ने जिहड़ी गड्डी दे विच कातल आए सीगे वह फड़ी गई है। उहदा नतीजा की निकलता है वह असी देखांगे। फिर रिपू दमन सिंह मालक इन्हों का नाम लगता सी कि जिहड़ा 1984 दे विच एयर इंडिया का कनिष्का हवाई जहाज जिहदे विच 328 सवारियां सी जिसने कैनेडा तो उडान भराई। उस उडान दे विच इंडिया दे कैनेडा दे सफीरखाने ओटवा विचों दो इंडिया दे अफसर ने जाना सी। कनिष्का हवाई जहाज दी उडान भरन तो पहला दो घंटे के दो अफसर ने अपनी उडान कैंसल करती। भाई तलविंदर सिंह नू तुसी सारे जानते हो, उन्हां दा नाम कैनेडा की पुलिस ने रखा सी कि उन्हां दा हथ कनिष्का की उडान नू बर्बाद करन दे लई हो सकदा है। पर तलविंदर सिंह जी इत्थे उस वेले इंडिया दे विच सी, इन्हां नू पंजाब पुलिस ते केपीएस गिल ने पकड़ लिया सी। जे कैनेडा दे विच सरदार तलविंदर सिंह पुलिस नू चाहिए सी फिर इंडिया ते पंजाब पुलिस नू भाई तलविंदर सिंह नू कैनेडा दे हवाले करना चाहिए सी, पर नहीं किया। केपीएस गिल ने उन्हें शहीद कर दिता।
जिहड़ी कनिष्का दी अडान कैनेडा दी धरती तो चढ़ी है उसने इंडिया आना सी राह दे विच वलायत होंदा है आयरलैंड होंदा है ये जिहड़ा कनिष्का हवाई जहाज सी आयरलैंड के समुद्र के विच नष्ट हो गया आयरलैंड की गवर्नमेंट ने तफ्तीश की कि यह हवाई जहाज किवें साढ़े समुद्र के विच नष्ट होया तुहानू सारे नू पता है कि फोरेंसिक साइंस होंदी है आयरिश दे फॉरनर जिहड़ा मौत की जांच करते हैं वजह लभदे हैं उन्होंने कनिष्का दी जिहड़ी बॉडी सी जिहड़ी कनिष्का दा लोहा सी उसनू साइंटिफिक तरीके दे नाल एग्जामिन किया आयरलैंड दे कोरनर दी रिपोर्ट आई कि ये बरूद दे नाल नहीं फटिया जिहदा मतलब है राजीव गांधी दी सरकार ने ये दुनिया नूं दिखाउणा सी कि सिख आतंकवादी हैगे है ते राजीव गांधी ते कांग्रेस ते इंडिया दे लई जरूरी हो गया सी कि इह दे हवाई जहाज नूं भरी सवारियां दे नाल 328 दे नाल इनू नष्ट कर दिए कैनेडा ने इहदी तफ्तीश कराई एक कमिशन बनिया उहदा नाम सी मेजर कमिशन मेजर कमिशन ने जदों अपनी रिपोर्ट दित्ती उहदे विच किसे सिख का नाम नहीं आया किसे सिख का नहीं आया जिहदा मतलब है कि अजे इहदी तफ्तीश अधूरी रह गई है ते यूएन नूं इस दी तफ्तीश मुढ तो शुरू करनी पवेगी नाले असीं कहिंदे हां कि यूएन भाई खंडे दी दीप सिंह सिद्धू दी मूसेवाल दी परमजीत सिंह पंजवड़ दी हरदीप सिंह निज्जल दी रिपू दमन सिंह मलिक दी यूएन तफ्तीश कराए यूएन एहो जे गहरे कतलों की तफ्तीश कर सकदा लेबनान एक मुल्क है जिथे तुहाडे अंग संग जांदे है कम करदे है उन्हां दा वजीर आजम उहदा नाम सी हरारे उस नूं शक्की अदालत दे विच मरवाया गया सी फिर यूएन ने उहदे कतल की तफ्तीश कीती गुआंढी मुल्क अपना पाकिस्तान है इहदी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो शक्की हालतों दे विच मरवाई गई सी यूएन ने इहदी तफ्तीश कराई सो मेरा कहण दा भाव है कि इह नहीं कह सकदे कि यूएन तफ्तीश नहीं कर सकती जे असी सारे बाहर वसदे सिख इत्थे तगड़ा जोर पा दीए ते यूएन नूं इह सिखां दी कतल दी शहीदी दी तफ्तीश करनी पवेगी सो साध संगत जी मैं जिथों तक पढ़िया लिखे हैं
जिथों तक पुलिस की सेवा की है तुहानू मैं सिक्का कट के दिता। जिहड़े साडे देश दे सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोयल, उन्हां दी मुलाकात थोड़े दिन होए है। बरतानिया दे सिक्योरिटी दे वजीर दे नाल होई है। उस मीटिंग तो बाद बरतानिया दे सिक्योरिटी वजीर ने उसका पहला नाम है टिम, बाकी तुसी आप देख लो पता लग जूगा। उन्हें कहा है बरतानिया की सरकार 96,000 पाउंड खर्चोगी खालिस्तानिया का पता लैण के लिए। ओ टिम जी पता की करना, मैं खालिस्तानी है, मेरा नाम पहला लिख ला। ये कुछ शक है कि सिख खालिस्तानी नहीं है, किन्नियां दे नाम लिख लेंगे। ते बरतानिया नूं एहो जिहा रवैया नहीं होण देना चाहिदा, जो करके उन्हां दे मैंबर पार्लीमेंट दोसांझ साहब अंबरसर दे हवाई अड्डे ते आए सी ते हिंद ते इंडिया दी हुकूमत ने 2 घंटे उन्हां दी तफतीश कीती ते बाहर नहीं जान दिता। फिर भाई अमृतपाल सिंह दे सदारनी साहब जिहड़े बरतानिया दे सिटीजन है, वह बाहर जाना चाहते सी अपने पेके, उन्हां नूं भी हवाई जहाज के उत्ते चढ़न की इजाजत नहीं दिती गई। सो मेरा मतलब है कि ये सारा रिकॉर्ड जिहड़ा मैं लभिया, इहदा मतलब है कि मोदी सरकार ने सिक्योरिटी एडवाइजर ने इंडिया दिया खुफिया एजेंसियां ने इस सिख लीडर के कतल ते शहीदियां करवाई हैं। इहदे विच हुण कोई शक नहीं रह गया, पर इत्थों दियां अखबारां अज हिंदुत्व का रंग चढ़ गया, ना ट्रिब्यून, ना हिंदुस्तान टाइम्स, ना पीआई, ना टाइम्स ऑफ इंडिया, ना इंडियन एक्सप्रेस ये गल्लां नूं दसूगी। पर हुण मुर्गी बाहर निकल गई है, मैं सारा कुछ बोलता है। जे नहीं प्रिंट करनगे की फायदा होगा ना प्रिंट करन दा, गल तां सारी निकल गई है। तो साध संगत जी आपां सारे चौकस रहिए, किसे नूं खतरा मनाउण दी लोड़ नहीं है। किसे नूं मौत दा डर लगदा है, संतां ने मैनूं कहा सी, संत जरनैल सिंह ने, कि तूं चौपाई साहब दे पाठ करिया कर। पहला हैरान हो गए, कहिंदे तुसी SSP हो, तुहानू कहदा डर लगता है। मैं कहा जी डर तो हरेक नूं लगता है। फिर चौपी साहब ने मैनू जदों तनाई की सजा मैं कट्टी है, भरतपुर जेल, भागलपुर जेल, तिहार जेल दे विच, ये चौपाई साहब दे नाल मेरी तनाई की कैद कट्टी गई। और तुसी बिल्कुल नहीं डरना, सिख मौत तो कदे डरदा नहीं है। एक बारी मौत आनी है, अज आ जाए पर कल नूं यकीनी आनी है। सो किसे नूं डर नहीं लगना चाहिदा, चढ़दी कला दे नाल वाहेगुरू वाहेगुरू करके शहीद परिवार की पूरी रक्षा कौम करूगी,
और मैं आस कर दे कि सारे तुसी इन्हां दी माता दे लई भैण दे लई रोज अरदास करया करोगे। प्रबंधकां दा मैं बहुत ऋणी है और हमेशा अर्ज करदा फतेह जी फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।